हम ये कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के स्टार्ट से हमने फास्ट पेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखना शुरू कर दिया था, जिसे हम आज भी विटनेस कर रहे हैं। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द लैंडलाइन फोन टू सेल फोन्स टू द मॉडर्न स्मार्टफोन्स, हम एक ऐसे फास्ट पेस इनोवेशन टाइमलाइन में रह रहे हैं जहां हम बस और भी इजी और वर्क एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के सपने देखते हैं जो हमारा काम और भी आसान कर दे। बट आज के इस करंट टाइम में हम ये इंटरनेट और टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स के पुराने कंसेप्ट से मूव ऑन कर चुके हैं। नाउ इट्स द टर्न फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी लीडिंग इट्स वे टू द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्लोबल इनोवेशन। व्हाई? बिकॉज ये हमारी जिंदगी का रहन सहन बदल रहा है। इट इज चेंजिंग द वे वी लिव, कम्युनिकेट एंड वर्क। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे बाय टेकिंग एन इन डेप्थ लुक एट वन ऑफ द टॉप ट्रेंड इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड, और वो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज दिस स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर मैं इस डाइवर्स स्मार्ट टेक्नोलॉजी को एक परफेक्ट डेफिनेशन के साथ पिन करूं तो वो गलत होगा, क्योंकि इस फील्ड में डेवलपमेंट्स ही इतने फास्ट पेस में हो रहे हैं कि क्या बताऊं। यहाँ नए नए इनोवेशंस उतने ही तेजी से आउटडेटेड हो जाते हैं जितने तेजी से वो आए थे। सो इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के स्मार्ट को हम रेफर करेंगे एज सेल्फ मॉनिटरिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिसिस यूज कर रहा है टू प्रोवाइड कॉग्निटिव अवेयरनेस टू द ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम पहले बस डेड ऑब्जेक्ट कंसिडर करते थे। इन द सिंपल सेंस, फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेस्ला कार को ही कंसिडर करो। हमने पहले कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई कार्स ऑटोमेटिकली बिना ड्राइवर्स की चल सकती है। इनोवेशन ने इतना डेवलपमेंट लाया है कि अभी ये स्मार्ट कार्स भी अपने नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलो इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के थोड़े जनरल एग्जांपल्स देखते हैं। ऑन ए जनरल टर्म, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां डिवाइसेस का एक नेटवर्क सेंसर्स, चिप्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कनेक्टिविटी और एप्लीकेशंस यूज करते हैं टू ब्रिंग अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट टू लाइफ। ये डिवाइसेस फ्यूचरिस्टिक होते हैं, दे आर स्केलेबल एंड ऑटोमेटेड। एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करेंगे स्मार्ट कार्स, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट फैक्ट्रीज, जहां सब कुछ और सभी स्मार्ट होते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसेस, कंट्रोल्ड विद अ रिमोट एंड कनेक्टेड वाया द इंटरनेट और ब्लूटूथ। ये स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसेस यूजर्स को एक कस्टमाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बट इन्हें पर्सनली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये IoT डिवाइसेस की तरह खुद को उतना एक्सटेंड तक अडेप्ट और इम्प्रूव नहीं कर सकते। इस स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसेस का एग्जांपल्स है आपके सिक्योरिटी कैमरास, स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट वॉचेस एंड इवन योर स्मार्टफोन्स। और हमारा थर्ड एग्जांपल है स्मार्ट डिवाइसेस, लिमिटेड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल नेचर और नो नेटवर्क कनेक्टिविटी के रिक्वायरमेंट के साथ कुछ स्मार्ट डिवाइसेस बने होते हैं जो आपको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट कॉफी मेकर, स्मार्ट माइक्रोवेव और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, अब तक तो हमने इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स देख लिए, बट इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने के कुछ बेनिफिट्स भी है, और वो है नंबर 1, कन्वीनियंस। कसम से इसे पहले कभी ये सोचना भी पॉसिबल नहीं था टू डू सो मेनी टास्क साइमल्टेनियसली, और वो भी विद मिनिमम एफर्ट्स। लाइक आजकल जैसे होता है ना, बस आवाज लगाने की देर है, अलेक्सा ऑर्डर दिस, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से। इसने कन्वीनियंस और कंफर्ट को एक नए लेवल में ही पहुंचा दिया है। इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी की और भी अच्छी बात यह है कि आजकल ये इतने एडवांस हो गए हैं कि ये हमारे प्रेफरेंस को एनालाइज करके ये हमें खुद एक ऑटोमेटेड और पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। यहाँ तक कि ये उन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ट्रैफिक और वेदर कंडीशंस को भी एनालाइज करके हमें इन्फॉर्म करता है और हमें सेफली हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने में मदद करता है। दूसरा बेनिफिट है एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। Given the need of going green, saving the planet Earth, and as well as avoiding the high energy cost, दुनिया भर के इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर आजकल हाईली इन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड कर रहे हैं, और हम इंसानों के भी कभी न सुधरने वाली कुछ आदतें हैं जो हमें एनर्जी सेव करना नहीं बल्कि उसे वेस्ट करने में मजबूर कर देता है। लाइक हमारे घर के अप्लायंसेस का यूज ना होने पर उसे बंद ना करना या बंद करना भूल जाना। स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसे बदलने में एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकता है। इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का तीसरा बेनिफिट है सिक्योरिटी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेटर सिक्योरिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है रादर देन द ट्रेडिशनल मैनुअली ऑपरेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। पता है मुझे, आप सोचते होंगे कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, आई नो, बट स्मार्ट सिक्योरिटी गैजेट्स लाइक डोर सेंसर्स, अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरास एंड वीडियो डोरबेल्स हाउस ओनर्स को बाहर से ही थ्रेट के बारे में वार्न कर देता है, और बस ओनर्स ही नहीं बल्कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर देता है। और इसे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी यूज किया जाता है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, लाइक स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर्स एंड वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम्स, जो इंडस्ट्रीज में मेजर एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने में मदद करता है। चौथा बेनिफिट है इसका एफिशिएंसी, क्योंकि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी डेटा यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड। ये करंट सिचुएशंस को ट्रैक और एनालाइज करते हैं ताकि फ्यूचर में बेटर रिजल्ट्स दे सके।
Final and the most important benefit of a smart technology is that it saves money and time. एनर्जी यूसेज के बिल को कम किया जा सकता है अगर हम इन स्मार्ट टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को यूज करें, सच एज स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट लाइटिंग, रिमोट मैनेजमेंट एंड स्मार्ट फ्रिजेस, जो एनर्जी यूसेज को ऑप्टिमाइज कर सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी उन रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट कर देता है जो आपके वेस्ट ऑफ टाइम के सीन को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है। इन शॉर्ट, इसे अडेप्ट करके आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से सेव कर सकते हो। By offering such a wide range of benefits, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ट्रेंड ऑलरेडी दुनिया भर में स्प्रेड हो चुका है और ये रुकने का भी कोई नाम नहीं ले रहा। After all, हम सबको ही अपना वक्त और पैसे बचाना है और इस प्रोसेस में ज्यादा प्रोडक्टिव, कंफर्टेबल और सिक्योर भी बनना है। So this is the only alternative that I see. So until next time with more such informative videos, bye from Tech Baba.